हाय, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बताऊंगी आपको ओरिफ्लेम का टोनर क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे लगाना चाहिए। ओरिफ्लेम का टोनर या कोई भी टोनर, टोनर से क्या है, पोर्स हमारे बंद होते हैं क्लींजर करने के बाद में। रोज सुबह और शाम हमें क्लींजर करना है, क्लीन करना है फेस। उसके बाद में टोनर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हमारे क्लीन करने के बाद में ओपन हो जाते हैं पोर्स, यहाँ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। तो ओपन होने के बाद में ये डस्ट अंदर जाती है। मान लो हम बाहर भी नहीं जाते हैं तो भी घर का काम करते हैं तो भी वो डस्ट में डस्ट अंदर जाती है, पोर्स ओपन होते हैं। इसलिए तो टोनर हमें प्रोटेक्शन देता है, टोनर हमें पोर्स बंद करता है और स्किन में टाइटनिंग लाता है, टाइट करता है स्किन को बहुत, और सफल बनाता है और स्मूथ बनाता है। पिंपल्स भी नहीं होंगे, रिंकल्स भी नहीं होंगे। टोनर से स्किन बहुत अच्छी स्मूथ रहती है, कहने को ये पानी जैसा है। और इसका यूज हम अभी करके बताएंगे। तो सरोज बहन वेलकम, ये हमें बताएंगे टोनर कैसे यूज करना है। क्लिंजर इन्होंने किया है अभी, और फिर उसके बाद में टोनर की बहुत सारी रेंज आती है ओरिफ्लेम में। ये ड्राई स्किन के लिए है, ओट्स का है, और फिर एलोवेरा का क्लेंजर टोनर आता है, हाइड्रा का टोनर आता है, और ऑप्टिमल्स का इवन आउट स्किन करता है, वो टोनर अलग आता है। जैसे आप रेंज लेते हो वैसा ही टोनर आपको लेना चाहिए, मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहिए। तो आज हम बताएंगे टोनर कैसे यूज करते हैं। टोनर यूज करने के लिए कॉटन लेनी है छोटी, उसमें 2 से 3 बूंद टोनर डालना है। इसको पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। आंखों पे भी लगाना है, पूरे फेस पे अप्लाई करना है। कॉटन क्लीन है, फिर भी इतना डस्ट, क्लीन करने के बाद भी इनका डस्ट इतना रह जाता है, वो इससे निकलता है।